हमारे यहाँ जब निकाह शादी का मामला आता है उसमें भी ज्यादती होती है। हम बेटी का हक ही नहीं समझते कि रिश्ता करते हुए उसकी राय लें, उसकी मर्जी पूछे। बेटा हाँ ना फिर भी कुछ ना कुछ कर लेता है। बेटा जवान होता है, पढ़ा लिखा होता है, कमा रहा होता है, वो हाँ या ना कुछ ना कुछ कर लेता है। बेटा अपना राइट किसी न किसी तरीके से एक्सरसाइज कर लेता है, मगर शरीफ घरानों की बेटियाँ देहातों में रहने वाले, छोटे शहरों में रहने वाले, पसमानदा मुआशरे में रहने वाले, गरीब घरानों में या दीनी तालीम के रखने वाले दीनदार घरानों में, बेशतर घरों में बहुत मॉडर्न क्लास को छोड़कर, बहुत जो आगे बढ़ गए लोग उनको छोड़कर आम घरानों में बेटी से पूछा नहीं जाता। माँ बाप ऊपर ही ऊपर से जो रिश्ता चाहे तय कर देते, ये हमारा भतीजा है, ये हमारी भतीजी है, ये भांजा है, ये भांजी है, ये फलां है, ये चट्टा है, ये वड़ाइच है, ये जट है, ये आराई है, बहुत कुछ होती है ये सारी बिरादरियां, ये राजे हैं, ये राजपूत हैं, बेशुमार। अब मैं तो लिस्ट भी नहीं गिन सकता, तो बस जहां चाहे कर देते हैं उनको रखदंगों में, और बेटी का हक नहीं समझा जाता। सुन लो, शादी के मामले में माँ बाप का भी हक नहीं है कि आकर बालिग बेटी हो उसकी मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी से जहां चाहे शादी कर दें। यह हक अल्लाह के रसूल ने माँ बाप को भी नहीं दिया। शादी बेटी की मर्जी से होगी, माँ बाप करें, रिश्ता चुने, बेटी पर पेश करें और बेटी की राय दें, बेटी समझे जाने रजामंदी दे तो रिश्ता जायज है। बेटी रजामंद न हो तो सख्ती से माँ बाप अपनी मर्जी को बेटी पर थोप नहीं सकते। जैसे ये हक बेटे का है वैसे ही मर्जी का हक बेटी का है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं और ये हदीस मुत्तफक अलैह है बुखारी मुस्लिम की। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेवा हो अगर कोई आपकी बेटी है, शौहर फौत हो गया, शादीशुदा थी, बेवा का निकाह भी उसकी इजाजत के बगैर आगे नहीं किया जा सकता, और कुंवारी लड़की अगर बालिगा है, कुंवारी लड़की, उसका निकाह भी उसकी इजाजत के बगैर नहीं किया जा सकता। लफ्ज़ वला तुनकहुल बिक्रु हत्ता तुस्ताज़न, बालिगा कुंवारी लड़की का निकाह भी नहीं किया जा सकता जब तक उसकी इजाजत न ले ली जाए।